Hey guys, welcome back again with another video and new section day 7 future simple tense. तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने already 6 videos upload किए हैं. अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले जाके उनको देख लीजिए. Active voice, passive voice, rules given है आपके सामने. Let's get started one by one. Number first we have subject, will, we want, object. बिल्कुल simple है. Passive में आपको पता है कि interchange करते हैं हम. तो यहाँ पे पुट करेंगे ऑब्जेक्ट को और अगली बार विल के साथ लगेगा बी. ओके, विल बी, फिर वी थ्री बाय सब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट विल नॉट, वी वांट, ऑब्जेक्ट. इंटरचेंज करेंगे पैसिव में, ऑब्जेक्ट पहले आएगा. ऑब्जेक्ट विल नॉट बी, वी थ्री बाय सब्जेक्ट. बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो किस तरीके से स्टेटमेंट बनेंगे इसमें. सबसे पहले विल, एक्टिव के बता रही हूँ अभी आपको. उसके बाद सब्जेक्ट, वी वन, ऑब्जेक्ट. बात करते हैं पैसिव की, विल, ऑब्जेक्ट, बी, वी थ्री बाय सब्जेक्ट. तो ये कुछ रूल्स थे जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं. आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. चलिए बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स. लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स. Guys, I'm all set with some examples. Let's have some one by one. Number first, Kavya will post the letter. Kavya letter post karegi. सबसे पहला काम होता है characterize करना. Kavya subject, will post we one, the letter object, ये active है. पैसे में कैसे करेंगे? सबसे पहले आप the letter को पहले लिखेंगे. You will put the letter in the beginning. The letter will be, अब आएगा वी थ्री. ओके, अब आप वी थ्री पुट करेंगे. पोस्टेड बाय, सब्जेक्ट कौन है आपका? काव्य. बहुत इजी बताती हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती. नोट करते जाइएगा. नंबर टू है द टीचर विल डिलीवर द स्पीच. टीचर भी डिलीवर करेंगे स्पीच को. आपको पता है ये एक्टिव है. द टीचर हमारा सब्जेक्ट है, डिलीवर वी वन है, द स्पीच आपका ऑब्जेक्ट है. पुट करेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट को. द स्पीच विल, फिर आएगा बी, डिलीवर्ड बाय द टीचर. ओके, द स्पीच विल बी डिलीवर्ड बाय द टीचर. नंबर थर्ड है विल यू मोप द फ्लोर. क्या आप फ्लोर साफ करेंगे? तो आपको पता है इंटरोगेटिव है, एक्टिव में है. अब हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले कैरेक्टराइज करेंगे सब्जेक्ट. मोप क्या है आपका? मोप आपका वर्ब है, द फ्लोर आपका ऑब्जेक्ट है. चेंज करेंगे तो चेंज के लिए पहले विल को ही वहां रहने देंगे क्योंकि क्वेश्चन है विल. अब सब्जेक्ट को पहले, ऑब्जेक्ट को आप पहले पुट करेंगे. विल द फ्लोर बी मोब्ड बाय यू, देन क्वेश्चन मार्क. विल द फ्लोर बी मोब्ड बाय यू, क्या आपके द्वारा फ्लोर साफ किया जाएगा? अब नंबर फोर्थ है करण विल अरेंज द थिंग्स. करण चीजों को अरेंज करेगा. You will give the answer of this question in the comment section where I am going to check your answer. Video को like कर दीजिए अगर video पसंद आई है, और channel को subscribe कर दीजिए और भी ऐसी videos के लिए. Thank you so much for watching this.